हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो मेरी वर्कआउट के ऊपर थी, सेम लोकेशन। आज वीडियो जो है मैं कुछ दोबारा से मिस्टेक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सॉरी, काफ़ी सारी वीडियोस जो है ये मिस्टेक्स के रिलेटेड ही आ रही है, बिकॉज अभी मेरे पास काफ़ी कम टाइम है। सो अभी जो है मैं जितना कंटेंट जो है आपको दे सकूँ मैं उतना देने की ट्राई करता हूँ। सो वीडियो आ रही है उसके लिए ही मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो जो है मैं बनाऊंगा कि लोग जो है वेट गेन के दौरान क्या मिस्टेक्स करते हैं। सो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी फुल डे ऑफ ईटिंग ऑन वेट गेन, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, भर भर के प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो जो है उसी के रिलेटेड होने वाली है, लेकिन इसमें जो है मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो लोग वेट गेन करने के दौरान करते हैं और लोगों को जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला टिप जो है, लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं करते। ये गलती जो है काफ़ी कॉमन गलती है, और ये गलती जो है हर कोई करता है शुरुआत में। मैंने भी बहुत करी है, सो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आप छोटे हो, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, तो इसको जो है हमेशा अप्लाई करो, अपनी कैलोरीज को ट्रैक करो। अगर आप जो है अपनी कैलोरीज ट्रैक करना सीखना चाहते हो, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट बनाई थी, आप जो है उसको चेकआउट कर सकते हो। सो जब आप जो है अपनी कैलोरीज को ट्रैक करके खाते हो, तो उससे आपके वेट गेन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को जो है एक मेंटेनेंस कैलोरीज की नीड होती है, और हमको जो है उसी कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरीज जो है वो सरप्लस में खाना पड़ता है, जिससे हम कैलोरिक सरप्लस में जाते हैं और हमारा वेट गेन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। तो कभी भी आप जो है वेट गेन या फिर फैट लॉस कर रहे हो, हमेशा अपनी कैलोरीज को ट्रैक करके चलो, जिससे आपको शुरुआत में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है कोई भी गोल जो है आसानी से अचीव कर लोगे। तो हमेशा जो है कैलोरीज को ट्रैक करके चलो। सेकेंड टिप, और ये भी काफ़ी कॉमन टिप है और ये काफ़ी बड़ा मिथ भी है, कि लोग जो है अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही ज़्यादा हाई कर देते हैं, बिकॉज मार्केट में जो है ये मिथ चला है कि अगर आप कभी भी गेनिंग कर रहे हो तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए बुरे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है वो आपकी बॉडी के लिए कुछ लिमिट तक अच्छे होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की भी जो है लिमिट को क्रॉस करोगे, तो वो जो है आपको उल्टा नुकसान देगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है कभी भी मसल को बिल्ड नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ मसल के अंदर जो है पानी को होल्ड रखता है। तो हमेशा जो है अपने कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को लिमिट में रखो, अपनी बॉडीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करो कि आपकी बॉडी जो है कितने कार्बोहाइड्रेट्स में कितना रिस्पॉन्स कर रही है, जिससे आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक को मेजर कर सको। तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान से इस्तेमाल करो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाओगे, तो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा होएगा, जिससे हमारी बॉडी में जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी नाम की एक चीज़ होती है वो ख़राब हो सकती है, जिससे हमारा वेट गेन नहीं बल्कि फैट गेन होगा। सो हमेशा जो है अपने कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से इस्तेमाल करो। कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका जो है, आप अपने उसको प्री वर्कआउट, यानी कि अगर आपके वर्कआउट्स के पहले के जितने भी मील्स हैं, आप जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और अगर आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो आप जो है अपने मसल को ज़्यादा ब्रेक कर पाओगे। जब आपकी मसल टिश्यू ज़्यादा ब्रेक होगी, तो आपकी मसल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। सो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है आप अपने प्री वर्कआउट्स में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में भी आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाएगा। थर्ड टिप जो है, लोग फैट्स को अवॉइड करते हैं। फैट्स का मेरा मतलब जो है वो है हेल्दी फैट्स से, बिकॉज एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती है, और एक ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, एक ग्राम फैट्स में जो है वो 9 कैलोरीज होती है। तो हमको फैट्स से जो है कार्बोहाइड्रेट्स से और प्रोटीन से ज़्यादा कैलोरीज मिलती है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है अपने फैट्स का इंटेक भी बढ़ा सकते हो, जिससे आप जो है अपने कैलोरिक सरप्लस के गोल को भी अचीव कर सकते हो। सो हेल्दी फैट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नट्स, सीड्स, घी, बटर, और भी काफ़ी सारे जो ऑयल्स होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ये कुछ अच्छे सोर्सेज हैं फैट के, जो आप अपने हेल्दी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, और ये जो है आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और आपको कैलोरीज भी मिलेगी, तो आप जो है कैलोरिक सरप्लस में भी रहोगे, और आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी अच्छा है। तो जब भी आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, तो अपनी डाइट में जो है फैट्स को ज़रूर इंक्लूड करो। फोर्थ टिप जो है वो है नॉट अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आपने
लास्ट टाइम लास्ट वीक जो है जितना वेट उठाया था या फिर जितने सेट्स किए थे, आप उससे ज़्यादा वेट उठाओ, ज़्यादा सेट करो, जिससे आप एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मार्क अचीव कर पाओगे। जब आप सेम वेट, सेम सेट, सेम एक्सरसाइज और सेम ही इंटेंसिटी, सेम वॉल्यूम के साथ जो है अपने मसल को हिट करोगे हर हफ्ते, तो आपकी बॉडी जो है उससे यूज्ड टू हो जाएगी, जिससे आपका मसल और ज़्यादा फटीग नहीं होगा। तो हमेशा अगर आपने लास्ट वीक 10 किलोज़ उठाया था, तो इस टाइम जो है आप 12.5 केजी या फिर 12 केजी जो है वो उठाने की कोशिश करो, जिससे आप जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड जोन में चले जाओगे और आपका मसल लास्ट वीक से ज़्यादा फिटीग होगा। उससे जो है आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, आप जो है वेट गेन करने की जगह मसल गेन करोगे, सो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो फिफ्थ टिप जो है, लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते। फैट लॉस जर्नी में और वेट गेन जर्नी में, दोनों में जो है पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पानी जो है हमारी बॉल मूवमेंट को अच्छा करता है और हमारी डाइजेशन को भी अच्छा करता है। सो जब आप फैट लॉस में ज़्यादा हाइड्रेट रहते हो, तो वो जो है आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और जब आप वेट गेन में जब पानी का इंटेक आप इंक्रीज़ करते हो, तो वो जो है आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। और मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप वेट गेन कर रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, तो हमेशा जो है आप अपने मील्स के बाद वार्म वाटर को ऐड कर सकते हो, जो कि आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपके वेट गेन प्रोसेस को भी बेहतर बनाएगा। सो हमेशा जो है अपने मील्स के बीच में या फिर आप रेगुलरली भी जो है वाटर को हमेशा ऐड करो। मिनिमम आप 2-3 लीटर वाटर का गोल जो है वो हिट करना शुरू करो। जैसे जैसे आप पानी पीते रहोगे, आपकी जो है आदत बन जाएगी, उसके बाद जो है अपने वाटर को बढ़ाते रहो। सो पानी जो है हमेशा पीते रहो, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी अच्छा है। एंड लास्ट टिप, लोग जो है कंसिस्टेंट नहीं रहते, पेशेंट नहीं रहते। हमेशा याद रखो, अगर आपका कोई भी गोल है, आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना ही पड़ेगा। चाहे आपका कुछ लाइफ गोल है या फिर आपका कुछ फिज़िकल लेवल पे कुछ गोल है, जैसे कि आपको कुछ अच्छी फिजिक बनानी है या फिर कोई बॉडी गोल है आपका, हमेशा कंसिस्टेंट और पेशेंट रहो। बिकॉज़ अगर आप कंसिस्टेंट और पेशेंट नहीं रहोगे, सो ऑन द अदर हैंड अगर आपका कोई कंपटीशन है, अगर वो कंसिस्टेंट और पेशेंट रहेगा, वो जो है आपको बीट कर देगा। सो हमेशा जो है कंसिस्टेंट और पेशेंट रहो। मसल गेन या फिर वेट गेन के टाइम जो है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट और पेशेंट रह के जो है इस गोल को अचीव करते रहोगे, सो वो जो है एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, अपना एफर्ट जो है हर दिन डालते रहो, ठीक है। कभी भी ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। अपने हमेशा दिन को प्लान करो कि आपको कौन सी मील्स लेनी है, कैसा वर्कआउट करना है, और हमेशा जो है जो आपका प्रोसेस चल रहा है उससे प्यार करो। जब आप प्रोसेस से लव करोगे, आपको अच्छा लगेगा, सो उससे आपके गोल्स को अचीव करने की क्षमता जो है वो और बढ़ जाएगी। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहो और पेशेंट रहो। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में कोई बोनस टिप नहीं है, बिकॉज़ ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाओ और आपका वेट गेन या फिर फैट लॉस जो है वो झट से हो जाए। आपको अपने एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर न्यूट्रिशन जो भी आप ले रहे हो, आपको हमेशा अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो हमेशा जो है अपने एफर्ट्स डालते रहो, आपका वर्कआउट भी होता रहेगा और आपकी न्यूट्रिशन भी चलती रहेगी। हमेशा जो है अपने आप को जो है एक दिन जो है अच्छा करते रहो, जिससे आप पहले दिन से आज जो है आप बेटर बनोगे। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। जाते जाते एक लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसको भी जो है वेट गेन में प्रॉब्लम है, और नीचे मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।